नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीए से रिलेटेड भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जो लोग वीए में रहते हैं सबके काम की न्यूज हो सकती है। अगर आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, 5 मिनट में वीडियो खत्म करूंगा। जी हाँ, हम बात करेंगे दुबई का सैलरी से रिलेटेड। जी हाँ, क्योंकि भाई आप अगर दुबई में बैठे हैं तो पैसों के लिए बैठे हैं, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बैठे हैं। सैलरी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना आप एक साथ एक टाइम खा लें, लेकिन तनख्वाह समय पे मिलना जरूरी है, हर आदमी की सोच होती है। जनवरी 2022 में लेबर लॉ में सुधार हुआ है दुबई से रिलेटेड अगर बात करें तो। जी हाँ, तो आपको कुछ बातें मैं बताऊँगा कि कंपनी में अगर ये प्रॉब्लम है तो कंपनी के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, और जो मोरे ने क्या आदेश दिया है आपकी सैलरी से रिलेटेड। जी हाँ, तो पूरा आप वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, अगर बात करें जनवरी 2022 से नया लेबर लॉ शुरुआत हुआ है। जी हाँ, उसमें मैं बता दूं, जिस कंपनी में 100 लोगों से ज्यादा वर्कर हैं, आप गौर से सुन लीजिएगा, जिस कंपनी में 100 वर्करों से ज्यादा वर्कर हैं उस कंपनी में 10 दिन में तनख्वाह लास्ट कंपनी को देनी होगी। जैसे आपको 30 दिन हो गए तो अगले 40 दिन यानी 10 दिन और हो गए, 40 दिन हो गए ना, 10 दिनों में कंपनी को तनख्वाह देनी पड़ेगी। जी हाँ, नया लेबर लॉ 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर कंपनी तनख्वाह नहीं देती है तो 16वें दिन कंपनी 15 दिन 5 दिन और ग्रेस पीरियड मिल जाते हैं, 16वें दिन कंपनी अगर चाहती है कि हमें वर्करों की ज़रूरत है वो वर्क परमिट मोरे में अप्लाई करती है तो उसको वर्क परमिट जारी करना बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, वर्क परमिट उसको नए जो वर्करों की लोग और कोटा है ना वो जारी नहीं होगा उसका। तो ये एक कंपनी के लिए माइनस पॉइंट बात है। सेकंड नंबर पे बात करें तो कार्रवाई के लिए न्यायिक अधिकारियों को भेजा जाएगा उसकी रिपोर्ट कंपनी की। अगर कंपनी वर्करों को तनख्वाह नहीं देती है तो उसकी जो कार्रवाई के लिए न्यायिक जो सक्षम न्यायिक अधिकारी हैं उसके पास में मामला भेज दिया जाएगा, ये कंपनी ये इतने लेन देन इन लोगों को इतने टाइम से तनख्वाह नहीं मिल रही है। जी हाँ, मामला वहां चला जाएगा। तीसरे नंबर पर बात करें तो कंपनी को बता दूं नई जो बता दूं, अगर मालिक ये चाहता है कि मेरे एक कंपनी है, 2 हर में एक कंपनी और बना लूं, तो आपको पता है दुबई में तो पग पग पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो नई कंपनी अगर वो ओपन करना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता दूसरी कंपनी का, तब तक आप लोगों की तनख्वाह बाकी है पीछे वाली कंपनी में। जी हाँ, आगे अगर बात करें 4 नंबर पे, जो जो आपकी कंपनी है नियुक्ता है उसको बैंक गारंटी खत्म कर दी जाएगी। बैंक गारंटी देती है ना एक सर्विस के तौर पर, जो बहुत सारी कंपनी होती है करंट अकाउंट के माध्यम से उनको थोड़ा सपोर्ट भी देती है बैंक की, तो वो बैंक की गारंटी है वो खत्म कर दी जाएगी। जी हाँ, 5वें नंबर पर अगर बात करें तो वर्करों को दूसरी कंपनी में जाने की अनुमति मिल जाएगी। ये एक अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए, दूसरी कंपनी में आप मूव कर सकते हैं अगर समय पे कंपनी तनख्वाह नहीं दे तो। जी हाँ, अगर 60 दिन से ज्यादा कंपनी ने निकाल दिए तो उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी, प्लस 50,000 रुपए 50,000 दराम का जुर्माना देना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि उसने आपकी तनख्वाह समय पर नहीं दी। तो कंपनी वाले सावधानी बरतें, उसी में आप लोगों का भला है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस कब होगा, तब आप लोग कंपनी की बातें मोरे तक रखोगे। मोरे को कोई वो कोई ऊपर वाला नहीं है कि वो अपने आप सपने में आ जाती है कि हाँ इन 100 लोगों को तनख्वाह, 1,000 लोगों को कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही है, ये काम आप ही को करना है, फिर वो वहाँ से शुरुआत हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई 100 वर्करों से कम है, बहुत सारे लोग जैसे रेस्टोरेंट में काम करते हैं, गैराज में काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं, अलग अलग लोग आप काम करते हैं, वहाँ पे जिस कंपनी में 100 वर्कर से कम है वो बिजनेसमैन जिनको बोला जा सकता है, उनके वो भी अगर आपके साथ यही प्रोसेस करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कानूनी प्लस जुर्माना दोनों के हकदार वो होंगे, और आपको ये चीजें उनको नोटिस में लानी पड़ेगी। आगे मोरे की तरफ से ये बताया गया, कंपनी को जो कंपनी है उसको मोरे से, जी हाँ, मानव संसाधन मंत्रालय से लाइसेंस कंपनी को मजदूर संरक्षण प्रणाली के तहत लेना पड़ेगा। मजदूर संरक्षण प्रणाली में रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो कंपनी मोरे में। जी हाँ, वेज प्रोटेक्शन सिस्टम, जी हाँ, रजिस्ट्रेशन इसको बोला जाता है, ये होना जरूरी है। अब ये लेना क्यों जरूरी है मैं बता दूं, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी आपको हाथ में कैश पैसा नहीं देगी। कई बार ऐसा देखते होंगे यार, बहुत सारी कंपनी अकाउंट छोटी मोटी हैं, कंपनी अकाउंट नहीं खुलाती, महीने वाले दिन आपको हाथ में पकड़ा देती है, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। कंपनी अगर पैसा नहीं भी दे तो भी बोल देती है कि हमने पैसे दे दिए, हम कैश पैसा देते हैं सबको, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो कंपनी को वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत मोरे में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है तो मोरे उसके साथ में किसी प्रकार की कोई डील
नहीं करेगा। जी हाँ, ये एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए। भाई मौर्य मानव संसाधन मंत्रालय का सीधा सीधा कहना है कि हम ये चाहते हैं कि कानूनी रूप से जितने भी वर्कर हैं उनको समय पे तनख्वाह मिले, उसके प्रति कोई प्रॉब्लम न हो। तनख्वाह से प्रति हमारी पूरा सपोर्ट उनके साथ में है, हम उनके प्रति संवेदनशील है, आगे इस पे समय समय पे हम कार्रवाई और काम करते रहेंगे। तो ये आपके लिए शायद ये बातें अच्छी हैं, आप गौर कर लीजिए। अगर आपकी कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही है 2022 से अगर बात करें तो आप कंपनी के खिलाफ में लेकिन खड़ा होना आपको पड़ेगा। अब यहाँ पे आते ही आपकी बात थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप लोग मुझे व्हाट्सअप करते हो ना, सर जी पासपोर्ट नहीं दे रही है, सर जी तनख्वाह नहीं दे रही है, सर जी मकान से निकाल दिया, सर जी पैसा खाने का ही नहीं है, सर जी मर गए, बर्बाद हो गए। हम बोलते हैं रे भाई सामने आओ। नहीं जी, सामने नहीं आना, हम रहेंगे पर्दे के पीछे, अशोक LLP हमारा काम कर दे। भाई मैं गवर्नर थोड़ी हूँ, आगे तो आपको ही आना पड़ेगा। चाहे आज आ जाओ, चाहे एक महीने बाद, चाहे 6 महीने बाद आ जाओ। समझ गए होंगे मेरी बात को। बस ये अपडेट देना था साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जी।